अस्सलाम वालेकुम। क्लास सिक्स आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5B। से पहले जो रीडिंग है वो आप कंप्लीट करेंगे, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 65 ओपन करें। ऑपरेशंस विद इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट ऐसा सेट होता है जिसमें डैट इंक्लूड्स पॉजिटिव नंबर एज वेल एज नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो इंक्लूड होते हैं। सो देर आर फोर ऑपरेशन डैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इंटीजर्स: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चार बेसिक ऑपरेशन इंटीजर्स पे परफॉर्म किए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला ऑपरेशन हम रीड करेंगे, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इफ़ वी हैव टू यूज़ द नंबर 9 टू ऐड 4 एंड 6, देन सबसे पहले जो 6 है, 6 + 4 हमने करना है। 6 मीन इट इज़ पॉजिटिव 6। सो सबसे पहले 0 से पॉजिटिव 6 पे जंप लगा दिया। उसमें प्लस 4 करना है, इट्स मीन +1 का जंप दिया, फर्स्ट जंप आया, सेकंड जंप, थर्ड, फोर्थ, इट्स मीन 4 प्लस कर लिए ना, प्लस 4 कर लिए हमने। सो हम कौन से नंबर पे आ गए हैं? +10 पे। तो जो आंसर है वो 10 है, इसको पॉजिटिव 10 या सिंपल 10 लिखा जा सकता है, ठीक है। सो एडिशन करने के लिए हमेशा हमने राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स की तरफ हमने मूव करना होता है, ठीक है, और नेगेटिव टू द लेफ्ट फॉर नेगेटिव नंबर्स, और नेगेटिव नंबर्स के लिए लेफ़्ट साइड पे मूव करना होता है। अब अगर हमने ऐड कर रहे हैं 7 - 3, इसको हम इस तरह भी लिख सकते थे 7 + 3, इसको हमने सॉल्व करना है। सो सबसे पहले 7 है, इट्स मीन पॉजिटिव 7, सिंपल 7 लिखा हुआ, इट्स मीन पॉजिटिव 7, 0 से 7 पे जंप किया। नेक्स्ट -3 का मतलब है नेक्स्ट 3 स्टेप बैकवर्ड में मूव करना है, माइनस करना है, डिक्रीजिंग की तरफ जाना है। तो हम कौन से नंबर पे आ गए हैं? पॉजिटिव 4, तो इसका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव 4 या सिंपल 4 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे -7 + 4 करना है, और -7 का मतलब ये होगा 0 से पीछे -7 पे जंप किया सबसे पहले, और +4 का मतलब है 4 नेक्स्ट स्टेप हमने मूव करना है, पॉजिटिव वन, इट्स मीन +1 किया, तो ये टोटल 4 स्टेप हो गए, इट्स मीन +4 हमने कर लिया। तो अब कौन से नंबर पे हम आ गए हैं? -3 पे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन क्या होती हैं, कि सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है, व्हेन एडिंग इंटीजर्स विद लाइक साइंस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, द एब्सोल्यूट वैल्यूज़, एड द एब्सोल्यूट वैल्यूज़, देन यूज़ कॉमन साइन फॉर द सम। अगर हमने नेगेटिव लाइक साइन टर्म्स को ऐड करना है, अगर +4 + 9 ऐड करने हैं, हमने ऐड करना है इनको, +4 + +9 दोनों लाइक साइन है, +4 + +9 दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है, इट्स मीन लाइक साइन है। लाइक साइन को ऐड किया जाता है, 9 + 4 = 13, एंड वी हैव टू यूज़ देयर कॉमन साइन, कॉमन साइन दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव है, आंसर में पॉजिटिव आएगा। अब नेक्स्ट अगर हमारे पास ऐड कर रहे हैं हमने लाइक साइन को, और दोनों नेगेटिव साइन है, दोनों नेगेटिव भी आपस में तो लाइक है ना, एक जैसे साइन है, -3 - 8, इन दिस केस वी हैव टू ऐड दिस 8 + 3 = 11, एंड कॉमन साइन इसका भी नेगेटिव है, इसका भी नेगेटिव है, तो आंसर में भी नेगेटिव आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी, व्हेन एडिंग इंटीजर्स विद अनलाइक साइन, टेक देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज, then subtract the small absolute value from the larger, the result gets the sign of the integer with the larger absolute value। इसमें बात क्या हो रही है कि जब हमारे पास opposite signs होते हैं, unlike sign होते हैं, तो हम क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वाली को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और रिजल्ट जो हमारे पास आता है, आंसर आता है, उसमें बड़ी वैल्यू का साइन लगाया जाता है। अगर हमने पॉजिटिव 9 में ऐड करना है -6, और पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से होगी क्या, सब्ट्रैक्शन होगी, क्या होगी, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि अनलाइक साइन में क्या होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, और लाइक साइन में क्या होती है, एडिशन, ठीक है, ऐड, एडिशन होती है, अनलाइक साइन में सब्ट्रैक्शन होती है, अनलाइक साइन है, सब्ट्रैक्शन करनी है, बड़ी वैल्यू 6 9 और छोटी वैल्यू 6, 9 - 6 क्या 3 आ गया, और साइन हमने लगाना है, बट साइन ऑफ लार्जर वैल्यू ना, लार्जर क्या था, 9 था, 9 के साथ क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव, तो आंसर में पॉजिटिव आएगा, तो +3 इसका आंसर आ गया। अब अगर हमारे पास -9 + -6 + 6 = हमने फाइंड करना है,
अब देखें ये भी अनलाइक साइन है, अनलाइक साइन में क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, 9 - 6 क्या 3 आ गया, और बड़ी वैल्यू क्या है 9, उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो आंसर में क्या होगा नेगेटिव साइन, तो ये हमारा आंसर आया है। नेक्स्ट है दी सम ऑफ टू इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर, अगर हम दो इंटीजर्स को सम करते हैं तो हमें आंसर जो मिलता है वो आल्सो इंटीजर होता है। अगर हम प्लस टू प्लस इंटू माइनस थ्री कर रहे हैं, प्लस ये सिंपल टू का मतलब है ये प्लस टू है, तो अनलाइक साइन सब्ट्रैक्ट हुआ, 3 - 2 किया 1 आ गया, और साइन बड़ी वैल्यू का -3 का आ गया, -1 आंसर आ गया। तो ये जो -1 है ये भी तो इंटीजर की लाइन के अंदर आता है, देखें जो 2 था वो भी मौजूद है, जो -3 था वो भी मौजूद है, जो रिजल्ट आया -1 वो भी नंबर लाइन पे मौजूद है। इट्स मीन क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स हमारी प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट है दी सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 इंटीजर फ्रॉम अनदर इंटीजर प्रोड्यूसेस एन इंटीजर, अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं 5 में से 2 माइनस करना है, लाइक साइन है तो इनकी सिंपल सब्ट्रैक्शन की जाएगी, 5 - 2 किया और साइन दोनों का मिला के दोनों का पॉजिटिव है, आंसर में पॉजिटिव साइन आ गया। नेक्स्ट है दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स प्रोड्यूसेस एन इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन में भी हमें इंटीजर ही मिलता है, अगर हम +5 * -2 कर रहे हैं, 5 × 2 = 10 और ±-, ठीक है। अब यहाँ पे वो बड़ी वैल्यू का साइन वाला केस नहीं होता, बड़ी वैल्यू का साइन वाला केस सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हम एक अनदर रूल यूज़ करते हैं, वो नेक्स्ट जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मैं आपको उसमें क्लियर ये सारा बताती हूँ। अगर डिवीजन ऑफ इंटीजर है 1 to another तो इसमें हमें ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर ही मिले, अगर 5 / -15 कर रहे हैं तो ये -1/3 आता है, या -23 / -5 करना हो तो ये आंसर कोई 4.6 और माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ डिवाइज़र में है तो आंसर में भी आएगा 4.6 आता है। अब ये डेसिमल नंबर तो आपको नहीं नज़र आते ना नंबर लाइन पे, और ये जो हमें आपको फ्रैक्शन दी हुई है वो भी हमें नंबर लाइन पे नज़र नहीं आती है। सो डिवीजन का रिजल्ट मोस्टली ये होता है वो कभी आ भी जाता है, जैसे अगर 25 / 5 करना है तो ये आंसर 5 आता है, पॉजिटिव 5, ये इंटीजर है, लेकिन अगर 23 - 5 है तो ये इंटीजर नहीं है, डेसिमल नंबर आया। तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ केसेस में रिजल्ट आता भी है, कुछ भी नहीं भी आता, ठीक है। तो हम ओवरऑल नहीं कह सकते कि डिवीजन जो है वो क्लोजर करती है, क्लोजर होने के लिए यानी रिजल्ट भी हमें उसी ग्रुप में से मिलना चाहिए ना, तो -1/3 और -4.6 तो इंटीजर्स में से आते ही नहीं है, सो क्लोजर डिवीजन में नहीं होती, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है डी सम ऑफ टू इंटीजर्स रिमेन अनचेंज इफ़ दी इंटरचेंज देयर प्लेसेस फ्रॉम, अगर हम 3 + 4 करते हैं तब भी 7 आता है, 4 + 3 करते हैं तब भी 7 आता है, अगर 3 + (-4) करते हैं ये भी -1 आता है, और -4 + 3 करते हैं ये भी -1 आता है। सो अगर इंटरचेंज कर दें इनके नंबर्स की पोजीशन, सो रिजल्ट कैन नेवर बी चेंज, सो कॉमटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर प्रूव हो जाती है, होल्ड कर देती है। नेक्स्ट है फॉर 3 or more इंटीजर द एडिशन नीड नॉट नेसेसरली बी कैरीड आउट इन अ ऑर्डर इन विच दे हैव बीन रिटन डाउन, इट कैन बी वेरीफाइड डैट, अगर हमें ग्रुपिंग कर लिया, अगर मेरे पास 3 नंबर है -5, 6 और 7, पहले 2 का ग्रुप बना लें या अगले नेक्स्ट 2 नंबर्स का हमारा रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है 8, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर क्या हो गई, होल्ड कर गई। इफ 0 = any integer दिस सम इक्वल्स द इंटीजर इटसेल्फ, हमने 0 के प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा चैप्टर 2 में कि 0 इज सच अ नंबर, देन वी एड इफ 0 = any number then that number never be changed, अगर 0 को 7 में चेंज ऐड किया जाएगा तो 7 आएगा, 0 को -7 में ऐड किया जाएगा तो -7 आएगा। 0 ऐसा नंबर है जो किसी भी इंटीजर में ऐड किया जाए तो इंटीजर चेंज नहीं होता, ठीक है। 7 + 0 = 7 रहा, -7 + 0 = 7 रहा, -100 + 0 करते तो वो -100 रहता, ठीक है। सो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, 0 है, एक ऐसा नंबर जिसको ऐड करने से हमारे नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आता, जब हमारा इंटीजर इटसेल्फ रहता है अनचेंज रहता है तो वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर इज 0, ये साथ यहाँ पे लिख लें। नेक्स्ट है फॉर एवरी इंटीजर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर साइड दैट देयर सम इज 0, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक इंटीजर ऐसा है, एनी इंटीजर, एवरी इंटीजर, हमारे पास उसका एक ऑपोजिट ऐसा नंबर होता है कि उनको दोनों को ऐड करने से आंसर 0 हो जाता है, कैसे, कि अगर 2 है ना नंबर लाइन पे तो इसके ऑपोजिट में -2 होता है, जब इन दोनों को ऐड करते हैं 2 - 2 करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। इसी तरह अगर यहाँ पे नंबर लाइन पे -5 है तो इसका ऑपोजिट +5 गिवन होता है, इन दोनों को
माइनस फाइव प्लस फाइव जीरो हो गए, ठीक है। सो ईच इज़ नोन एज एडिटिव इनवर्स ऑफ दी अदर। सो अगर हमारे पास नंबर टू है ना, इट्स एडिटिव इनवर्स इज, सो हम टू को सिंपल टू कहें या पॉजिटिव टू कहें, इफ़ पॉजिटिव टू या सिंपल टू, या सिंपल टू लिख लें यहाँ पे, इट्स एडिटिव इनवर्स इज माइनस टू। इफ़ माइनस फाइव, सो इट्स एडिटिव इनवर्स इज पॉजिटिव फाइव या सिंपल फाइव लिख लें। सो इंटीजर्स की लाइन पे हर नंबर का एडिटिव इनवर्स मौजूद है। अगर माइनस टू है तो इसका पॉजिटिव टू एडिटिव इनवर्स है, अगर पॉजिटिव सेवन नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस सेवन होगा, ठीक है, जो इससे पीछे होता है। अगर माइनस सिक्स है तो इसका पॉजिटिव एडिटिव इनवर्स प्लस सिक्स होगा, ठीक है, यानी उलट साइन कर दिए जाएँ तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर होता है। नेक्स्ट वेज भी है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन, रिवर्स प्रोसेस है एडिशन का। अगर हमने टू सब्ट्रैक्ट वन इंटीजर फ्रॉम अदर, द एडेड इनवर्स ऑफ वन नंबर इज एडेड टू द अदर। अगर हमने सब्ट्रैक्शन करनी होती है दो नंबर्स की, सो एक नंबर फाइव है तो उसमें थ्री का एडिटिव इनवर्स माइनस थ्री आया है, उसमें सब्ट्रैक्ट हमने करना है अगर, तो फाइव माइनस थ्री, इसको प्लस इंटू माइनस थ्री भी लिख सकते हैं। अब फाइव माइनस थ्री, फाइव जो है वो पॉजिटिव फाइव है, अनलाइक साइन है, इसका पॉजिटिव फाइव इसका माइनस थ्री, सब्ट्रैक्शन होगी फाइव माइनस थ्री टू, और साइन बड़ी वैल्यू का वो पॉजिटिव फाइव वाला पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्टिव माइनस थ्री फ्राम फाइव इज इक्विवेलेंट टू एडिंग माइनस थ्री टू फाइव। अगर हमने अब फाइव माइनस इंटू माइनस थ्री करना है, अगर इस तरह हमें अगर दिया गया, ये ऊपर वाली एग्जांपल इधर गिवन थी, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, या मल्टीप्लिकेशन में आगे मैं आपको बताती हूँ कि ये माइनस माइनस प्लस कैसे हुआ। जब दो लाइक साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो पॉजिटिव बना देते हैं, माइनस माइनस प्लस, फाइव प्लस थ्री एट, और पॉजिटिव साइन क्योंकि प्लस फाइव बड़ा था उसका पॉजिटिव साइन या म्यूचुअल साइन इसका आ गया, ठीक है। अब माइनस थ्री इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ पॉजिटिव थ्री, या हम ये कहें कि पॉजिटिव थ्री इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस थ्री, यानी दोनों आपस के क्या होते हैं, एडिटिव इनवर्स होते हैं। अनलाइक एडिशन, द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इन सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम कैन नॉट बी चेंज, इफ द ऑर्डर चेंज द आंसर विल चेंज टू, देयरफॉर द कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डू नॉट अप्लाई टू द सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन में हमारे था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि अगर नंबर्स को 3 प्लस 4 करें या 4 प्लस 3 करें, आंसर 7 ही आना है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हम पहले टू नंबर्स का ग्रुप करते हैं, अगर तीन नंबर गिवन हो पहले टू का ग्रुप करें यहाँ पे या नेक्स्ट टू का, आंसर हमारा सेम आता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये चीज़ होल्ड नहीं करती, ना तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है ना ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब अगर हमने नंबर लाइन को यूज़ करते हुए सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस फोर माइनस सिक्स करना है, सबसे पहले प्लस फोर लिखा हुआ है, इट्स मीन ज़ीरो से पॉजिटिव फोर पे जंप लगाया, और उसके बाद माइनस सिक्स करना है। माइनस सिक्स का मतलब सिक्स स्टेप पीछे मूव करना है, पहला स्टेप मूव किया पीछे, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा और सिक्स वाला, माइनस वन सारे सिक्स स्टेप किए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स स्टेप माइनस किए तो हम कौन से नंबर पर आ गए हैं, माइनस टू पर रिजल्ट आ गया माइनस टू। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। मल्टीप्लिकेशन इज सिंपल फॉर्म ऑफ रिपीटेड एडिशन, दी मल्टीप्लिकेंड इज एडेड द नंबर ऑफ टाइम्स एट द मल्टीप्लायर। के मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है कि जो हमारा मल्टीप्लिकेंड होता है वो ऐड किया जाता है एज ए नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लायर होता है। अगर फाइव मल्टीप्लाई थ्री है, इट्स मीन फाइव मल्टीप्लिकेंड है और थ्री टाइम्स उसको ऐड करना है। फाइव मल्टीप्लाई थ्री का मतलब है फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव करें, ठीक है, तो ये फिफ्टीन हो गया, और थ्री फाइव ज़ार भी क्या होता है, फिफ्टीन, ठीक है। और अगर हमारे पास इधर मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर, देन एडिटिव इनवर्स ऑफ द मल्टीप्लिकेंड, एड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द मल्टीप्लिकेंड द नंबर ऑफ टाइम्स एट द मल्टीप्लायर। अगर हमारे पास इस तरह एग्जांपल है, मल्टीप्लिकेंड अब नेगेटिव नंबर है और थ्री टाइम्स इसको हमने ऐड करना है, तो माइनस थ्री, इट्स मीन माइनस फाइव को थ्री टाइम्स ऐड करना है, ठीक है, वन टू थ्री, मल्टीप्लाई टाइम्स हमें पता चल गया, मल्टीप्लायर से पता चला कि थ्री टाइम ऐड करना है, और किसको ऐड करना है थ्री टाइम, माइनस फाइव को, माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस फिफ्टीन हो गया। इस तरह अगर फाइव मल्टीप्लाई माइनस थ्री है, इसका मतलब क्या है कि फाइव मल्टीप्लिकेंड है और फाइव टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है सॉरी, तो माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री, ये फाइव टाइम माइनस थ्री को ऐड किया तो माइनस फिफ्टीन आ गया, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट भी आपको माइनस थ्री मल्टीप्लाई फाइव का मतलब भी यही है, यानी फाइव मल्टीप्लाई माइनस थ्री करें तब भी ये स्टेप आना है, या माइनस थ्री मल्टीप्लाई फाइव करें तब भी ये स्टेप है। अब माइनस फाइव मल्टीप्लाई थ्री करें तो तब भी ये स्टेप है, और थ्री मल्टीप्लाई माइनस फाइव करें तब भी
ये सेम स्टेप आ रहा है, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी होल्ड कर रही है। अब अगर हमने नंबर लाइन को यूज़ करते हुए अगर 5 मल्टीप्लाई माइनस 3 करना है, इट्स मीन 5 टाइम्स माइनस 3 को हमने यूज़ करना है, ऐड करना है उसको। और ये नेगेटिव नंबर्स है ना, नेगेटिव में मल्टीप्लिकेशन में हम बैक साइड पे मूव करते हैं 5 स्टेप। माइनस 3 के जंप दिए और कितने जंप दिए, 5 जंप दिए, तो हम कौन से नंबर पे पहुंच गए, माइनस 15, दैट इज़ द रिज़ल्ट। अब अगर हमने 3 मल्टीप्लाई 4 करना है, 3 टाइम्स है और 4 का मतलब पॉजिटिव 4 है, पॉजिटिव 4 के 3 जंप्स लगाने और पॉजिटिव 4 है ना, इट्स मीन नेक्स्ट फॉरवर्ड में मूव करना है। हमने 0 से 4 पे गए, 4 से 8 पे गए, 8 से 12 पे गए और 3 टाइम्स था तो 3 स्टेप आ गए, तो हम कौन से नंबर पे आ गए, पॉजिटिव 12 पे, तो आंसर आ गया पॉजिटिव 12।